नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर के भूगोल का, भूगोल वाला ही हिस्सा। हमने हिस्ट्री, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे भूगोल की सीरीज, जो कि आगामी प्रीवियस प्रीलिम्स परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यूपीएससी में हर बार कम से कम हर पोर्शन से 8-10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, उल्का क्या है? 1995 में क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति से चलता हुआ तारा, बी ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग और पुच्छ हीन धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर है बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला द्रव्य का अंश उल्का होती है, जिसको मिटियोर कहते हैं। उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला द्रव्य का अंश होता है। यह टूटने वाले तारे अर्थात चमकीली लकीर की भांति दिखाई देते हैं। वास्तव में एक उल्का ठोस आकाशीय पदार्थ होता है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण चमकने लगता है। कभी कभी ये आकाशीय टुकड़े पृथ्वी पर भी पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? जो चार स्थान दिए इसने, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी और कच्छ की खाड़ी, इनमें से कौन सा स्थान जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, कच्छ की खाड़ी। अर्थात आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी को जैवमंडल में आरक्षित स्थान प्राप्त हुआ है। कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को मैप में शामिल किया गया है। और ये 18 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक जो मेघालय में है, नीलगिरी जो तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में है, मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में तमिलनाडु में पड़ता है, मानस जो असम में पड़ता है, सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सिमलीपाल जो उड़ीसा में पड़ता है, डिब्रू सखारो ये असम में पड़ता है, देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगस्त्य मलाई की पहाड़ी ये तमिलनाडु में पड़ता है, कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है, अचार कमार अमरकटंग ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कच्छ ये गुजरात में पड़ता है, ये शीत रेगिस्तान ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, शेषाचलम पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, पन्ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपको ये भी याद रखना है जो ये 18 जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं किस स्टेट में पड़ते हैं, और इनमें से कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं, कितने हैं 18, और इनमें से 11 मैप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्राफ वाला है, इसको आप एलिमिनेट छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखते हैं, चलो करते हैं। नीचे दिए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसतिक माध्य औसत मासिक तापमान और माध्य औसत मासिक वर्षा जनवरी में तापमान दिया है 18 डिग्री के आसपास और वर्षा है, हम देखें कि वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है और तापमान भी 25 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये ग्राफ किसमें किस जलवायु का द्योतक है? आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय, वर्षायुक्त उष्णकटिबंधीय, आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण समुद्रीय। देखो टेम्परेचर देखते हैं, जनवरी फरवरी में लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च में लगभग 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और मार्च अप्रैल में ये लगभग 22 से 23 डिग्री पहुंच जाता है, मई में 30 डिग्री के आसपास, जून में भी ये लगभग 28 से आसपास पहुंचता है
उसी प्रकार जुलाई में कम होकर ये 9 डिग्री पहुंच जाता है, अगस्त में बिल्कुल 5 डिग्री और इसके बाद भी कम ही रहता है। वर्षा भी लगभग 18 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास है। ओ सॉरी, तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। और वर्षा कितनी है? वर्षा है, अगर इस ग्राफ देखें तो आपका देखा गया ये आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। तो इसमें टेम्परेचर भी अच्छा रहता है और वर्षा भी ठीक ठाक ही हो जाती है, क्योंकि ग्राफ में क्या देखता है कि टेम्परेचर 15 से लेके 25 डिग्री के आसपास औसत रहता है और वर्षा भी 25 से 30 के आसपास ही रहती है। इसका मतलब क्या है? देखो, वर्षा कम है, कम होने के बाद शुष्क से संबंधित रहेगा, तो ए ऑप्शन में शुष्क है और आर्द्र भी कुछ कुछ रहती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विली विली क्या है? विली विली एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंधीय में उगता है। एक प्रकार की हवा है जो मरुस्थल में चलती है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हमको याद रखना कि विली विली क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले चक्रवात को विली विली कहा जाता है, क्योंकि हर महाद्वीप में चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। एशिया में अलग नाम है, चाइना में अलग है, उत्तर अमेरिका में अलग है, जिसके बारे में हम आगे भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इसको? विली विली कहा जाता है। विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात है, आपको याद रखना है, उष्ण है या शीतोष्ण, उष्ण यानी गर्म चक्रवात है। यह तिमोर सागर पर उत्पन्न होता है, तिमोर सागर पर उत्पन्न होता है। अगर क्वेश्चन में आता है तिमोर सागर कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है और इस चक्रवात के कारण विभिन्न हिस्सों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? कौन सा महाद्वीप सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ए, अंटार्कटिका, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं, इनमें चेंज होने की कम संभावना है। तो सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह महाद्वीप 2200 मीटर यानी 7100 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका होता है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंस मैसिफ है। आपको क्वेश्चन में याद मिलाने के लिए आ सकता है कि विंसन मैसिफ किसकी चोटी है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट इरेबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, माउंट इरेबिस ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में, और सक्रिय है या लुप्त प्राय? ये सक्रिय है, लगातार आते रहते बला का विस्फोट होता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा स्रोत उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा स्रोत उत्तरदायी तो है? आपको यह बताना है कि जो रेडियो तरंगें चलती है किस वायुमंडल के कारण चलती है? अक्षोभमंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेप्टोस्फीयर कहते हैं, मध्यम मंडल, जिसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो रेडियो तरंग है वो आयन के अनुसार चलती है, तो आयन किस में आती है? आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी होता है। यदि आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती, पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण सुनना संभव नहीं होता। जो आयन मंडल का फैलाव है वो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। आयन मंडल कई परतें होती हैं जिसको डी ई एफ जी में बांटा जाता है। आयन मंडल के बाद बाह्यमंडल प्रारंभ होता है। अगर हम आपको बेसिक नॉलेज दें तो अक्षोभमंडल ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है और जो विषुवत रेखा है ये 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है और इसका औसत
ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। समताप मंडल होता है 13 से 80 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर, और 50 से 80 किलोमीटर होता है मध्यमंडल, और 80 से 640 होता है आयन मंडल, और 640 से ऊपर होता है वायुमंडल कहते हैं। आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, अक्षोभ मंडल में ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर कम होता है, सब तापमंडल में ऊपर जाते हुए बढ़ता है, मध्यमंडल में फिर कम होता है, आयन मंडल में फिर बढ़ता है, और वायुमंडल में जाने पर टेम्परेचर फिर ऊंचाई साथ साथ घटता है। आपको इसे याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 7वां 8वां को छोड़ देते हैं, और इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है, जो हीरक वलय होता है उसको कब देखा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पद पथ चिन्ह की परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। आपको याद रखना है, जो हीरक वलय ने डायमंड रिंग भी कहते हैं, कब देखा जाता है, यह सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ देखे जाते हैं, सूर्य ग्रहण के समय, नहीं आरंभ में, नहीं अंत में, बल्कि जब सूर्य ग्रहण होता है उसके चारों ओर परिधीय क्षेत्र में, मतलब सूर्य के परिधीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं हीरक वलय। तो इसका राइट आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायित्व है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह है, हिंद महासागर शतपथ महासागर है, हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। अगर आपने देखा हुआ, हिंद महासागर में दो तरह की पवनें चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, और इन्हीं के कारण ही हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, हिंद महासागर में मानसूनी होने। हमारा 11वां क्वेश्चन है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है, मानचित्र का वर्णमात्री, मानचित्र का समान रेखा, मानचित्र का वर्णवर्णिक, और मानचित्र का वर्ण प्रतीकी। इसका राइट आंसर है बी, मानचित्र का समान रेखा। ऐसे क्वेश्चन आपको रटने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो के तो रिपीट हो सकते हैं, और आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है कि जो समदाब रेखा को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र किसका उदाहरण है, मानचित्र का समान रेखा, किस समान रेखाओं के ऊपर जो वायुदाब है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये 1997 में आया हुआ है और कई बार आ चुका है। जो अक्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में सूर्य के चारों चक्र लगाते हैं, और कई बार ऐसे भी आता है कि अक्षुद्र ग्रह इनके बीच पाया जाता है, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अक्षुद्र ग्रह होते हैं छोटे चट्टानी और खगोलीय पिंड होते हैं, इनकी संख्या लगभग 40,000 या इससे अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा बदल दी जाए, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारत का मानक समय क्या होगा। ये कहते हैं कि जो पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व की तरफ घूम रही है, आपको पहले याद रखना है पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, पश्चिम से पूर्व। इसमें क्या पूछा, अगर इसी दिशा को बदल दिया जाए, मतलब पूर्व से पश्चिम कर दिया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में क्या समय होगा। पहले हम सामान्यतः देखते हैं, जो वर्तमान प्रक्रिया चली हुई है, भारत का समय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, तो दिशा बदल जाते हैं तो भारत का समय कितने घंटे पीछे हो जाएगा। तो उस समय भारत का समय 18.5 घंटे पीछे हो जाएगा, आपको याद रखना है। साढ़े 5 घंटे आगे हैं, तो फिर 6.5 घंटे पीछे हो जाएगा, तो 6.5 घंटे
5.5 घंटे पीछे हो जाएगा। तो 5.5 घंटे पीछे होगा तो 12 में से 5.5 घंटे तो 6:30 बजे होता है, 6:30, क्योंकि वर्तमान में भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटे आ गए हैं, तो फिर 5.5 घंटे पीछे हो जाएगा। इससे क्या होगा, भारत का मानक समय 6:30 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बिल्कुल अक्सर बेटा